बिहार बोर्ड में टॉपर्स को पहले की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त हों, क्योंकि यह देखा जाता था कि यदि जो बिहार बोर्ड के मेधावी छात्र हैं उन्हें दिल्ली या अन्य संस्थानों में एडमिशन लेने में उनको कठिनाई होती थी कम अंकों की वजह से, तो इस बार जो टॉपर्स के जो अंक भी मिले हैं काफ़ी अच्छे अंक मिले हैं। और इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री सावन राज भारती, जिनके पिता का नाम ओंकार भारती है और ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इन्हें कुल 486 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल प्रतिशत का 97.2% है। इसके साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं श्री रौनित राज, जिनके पिता का नाम श्री अजय कुमार है और ये भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और इन्हें 483 अंक प्राप्त हुए हैं जो 96.6% अंक है। तीसरे स्थान पर रहे हैं प्रियांशु राज, पिता श्री मुकेश कुमार सिंह, ये भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और इन्हें 481 अंक प्राप्त हुए हैं जो 96.2%। चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 परीक्षार्थी रहे हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं, आदर्श रंजन, पिता श्री अजय कुमार, आदित्य राय, पिता श्री रामप्रीत राय और प्रवीण प्रखर, पिता श्री मनोज पांडे। ये तीनों ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और इन तीनों को 480 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 96.96% है। इस प्रकार प्रथम 4 स्थानों पर रहने वाले सभी विद्यार्थी सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। पांचवा स्थान भी संयुक्त रूप से 2 परीक्षार्थियों को प्राप्त हुआ है जिनके नाम है हर्ष कुमार, पिता श्री संजय कुमार और रोशन कुमार, पिता श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह। इन दोनों को 479 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 95.8% है। और इसके साथ ही छठे स्थान पर जो विद्यार्थी, ये दोनों ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इस प्रकार पहले 5 स्थानों पर पूरी तरह से सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्रों का बोलबाला रहा है और निश्चित रूप से जो यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र बिहार का है, यह उसकी मेधा व्यवस्था और बेहतर शिक्षण व्यवस्था को दर्शाता है। इसके साथ ही छठे स्थान पर रहे हैं श्री अंकेश कुमार, पिता श्री छगरू राम और ये आलोक भारतीय शिक्षण संस्थान द्वितीया वेस्ट चंपारण के छात्र हैं और इन्हें 478 अर्थात 95.6% अंक इनको प्राप्त हुए हैं। और सातवें स्थान पर पुनः 2 विद्यार्थी रहे हैं और ये दोनों ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, श्री अभिनव कुमार, पिता श्री उमेश कुमार सिंह और श्री पीयूष कुमार, पिता श्री रूपेश कुमार। इन दोनों को 477 अर्थात 470 अंक प्राप्त हुए हैं जो कुल अंकों का 95.4% है। आठवें स्थान पर छात्र सिमुलतला आवासीय विद्यालय के रहे हैं अमित कुमार, पिता श्री शीलानाथ मंडल, जिन्हें 476 अंक प्राप्त हुए हैं और यह 95.8% है। इसके बाद नौवें स्थान पर संयुक्त रूप से 3 परीक्षार्थी रहे हैं और ये इस 3 परीक्षार्थी में 2 परीक्षार्थी सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और उनके नाम हैं अमन, पिता श्री चंदेश्वर तिवारी और चंचल कुमार, पिता श्री मनोज कुमार। और जो तीसरे विद्यार्थी रहे हैं नौवें स्थान पर वह हैं नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय
सिद्धा परसाही मधुबनी के छात्र हैं, श्री राम कुमार सिंह, पिता श्री बहादुर सिंह, इन्हें इन सबों को 475 अंक प्राप्त हुए हैं, अर्थात 95% नंबर। और दसवें स्थान पर तीन विद्यार्थी संयुक्त रूप से रहे हैं और इन तीनों को ही 474 अर्थात 94.8% अंक प्राप्त हुए हैं। और ये तीनों ही सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं। इनके नाम हैं मोहम्मद सैफ आलम, पिता मोहम्मद शमशाद आलम, मोहम्मद शकील, पिता मोहम्मद मुफज्जुल हक, और रोशन कुमार, पिता मनोज कुमार यादव। इस प्रकार जो शीर्ष टॉप 10 में कुल इस बार 18 विद्यार्थी रहे हैं और इन 18 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और 2 विद्यार्थी अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र रहे हैं। इस प्रकार ये सारी जो टॉपरों की जो इस बार जो मार्क्स हैं काफी अच्छे और बेहतर अंक प्राप्त हुए हैं। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष बेहतर अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं उन सबों को, सभी टॉपरों को हम लोग अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, उनके उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। और जो भी विद्यार्थी किसी कारण से यदि और जो भी विद्यार्थी इस वर्ष उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं उनको हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि आप तैयारी कर, पूरे मनो योग से आप तैयारी करें अगली परीक्षा की और अगली परीक्षा की तैयारियों के लिए। दो मिनट की प्रेस शांति बनाए रखें, उसके बाद आपके प्रश्न भी हम लोग आंसर करें। और जो भी विद्यार्थी इस वर्ष उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं या किसी कारण से यदि अपने अंकों से असंतुष्ट हैं तो वैसे विद्यार्थी 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके संबंध में बहुत जल्द विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। इसी प्रकार वैसे विद्यार्थी जो कंपार्टमेंटल परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, जो एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उनके लिए जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वह 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच उनका कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, उसमें वह फॉर्म भर सकते हैं। समिति द्वारा आगामी मई माह में कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है और उसका परीक्षा फल माह जून जारी करने का लक्ष्य रखा गया। मैं इस वर्ष तकनीक और परीक्षा व्यवस्था के मामले में बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए समिति के सभी अधिकारियों कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचिव, डायरेक्टर IT, एग्जामिनेशन कंट्रोल और सभी टीम जिन्होंने इस पूरे परीक्षा प्रणाली में और परीक्षा के आयोजन में और परीक्षा फलों के प्रकाशन में दिन रात मेहनत करके बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है।